महोबा से आई खबर के साथ, मॉनसून से पहले ही बारिश के बाद तबाही का मंजर देखा जा रहा है। गांव में दर्जनों मकान के भरभरा कर गिरने की खबर आ रही है। मकान गिरने का ये वीडियो देखिए, कच्चा मकान है। ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है। महोबा की ये तस्वीरें देखिए आप। अव्वल तो ये है कि इस गांव में अभी भी खपड़ेल और कच्चे मिट्टी से बने मकान में लोग रहते हैं और उस मकान के गिरने का वीडियो अब सामने आया है। अब ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है। चरखारी तहसील के बमहौरी बिलदारन गांव का यह मामला है। तो देखिए, तमाम आवास योजनाओं के बावजूद ऐसे घर भी हैं अभी भी महोबा से। इस वीडियो को देख करके इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कच्चे मकान के छत के नीचे भी कुछ लोग रहने के लिए मजबूर हैं और बारिश के बाद किस तरीके से भरभरा करके ये मकान, कच्चा मकान गिर गया, इसका वीडियो सामने है। चरखारी तहसील है, बमहौरी बिलदारन गांव है, जहां से इस घर का वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से चंद सेकंड के भीतर ये कच्ची मिट्टी और खपड़ेल का बना मकान मिट्टी में मिल गया। अब गांव वालों ने मदद की गुहार लगाई है क्योंकि यही एक आशियाना था जिसके नीचे वो सर छुपाते थे। दर्जनों मकानों के ऐसे ही गिरने की खबर है। ये एक वीडियो जो सामने आया वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मकान हैं जो इसी तरीके से मिट्टी में मिल चुके हैं और अब गांव वालों ने मदद की गुहार लगाई है। महोबा से आया ये वीडियो आप देख सकते हैं। दर्जनों ऐसे मकान हैं जो कुछ इसी तरीके से, इसी पैटर्न से गिर गए मानसून की शुरुआत के साथ ही। यहां पर कई लोगों के छत और मकान के गिरने की तस्वीरें बताई जा रही हैं। हालांकि ये एक गांव के जिसका नाम बमहौरी बिलदारन है, सिर्फ एक घर का वीडियो सामने आया है, लेकिन बताया जा रहा है इसी गांव में कई ऐसे घर ऐसे ही गिर गए और इसी घर के छत के नीचे लोग रहा करते थे। उन्होंने अब मदद की गुहार लगाई है क्योंकि मॉनसून की शुरुआत के साथ ही उनके आशियाने की हालत अब ये हो गई है। अब वो प्रशासन की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें मदद मिले ताकि वो भी बारिश से पहले सिर छुपाने की जगह ढूंढ पाए। कच्चा मकान किस तरीके से जमींदोज हो गया ये आपके सामने है और इस गांव में कई करीबन दर्जनों ऐसे मकान हैं जो ऐसे ही गिर करके मिट्टी में मिल चुके हैं। खबर बस्ती से है। मजदूरों से भरी पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में 13 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है। 8 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इसके साथ ही कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हाईवे पर त्रिलोकपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बस्ती से खबर, हादसे की खबर। इस हादसे में 13 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से जो घायल है उन्हें रेफर करना पड़ा है जिला अस्पताल। पुलिस मौके पर है। इटावा से खबर है, तेज रफ्तार बस के पलटने की खबर मिल रही है और बस पलटने से 35 मजदूर घायल हैं। श्रावस्ती से गुजरात की तरफ जा रही थी ये बस। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है और श्रावस्ती से गुजरने के लिए, गुजरात के लिए काम पर ये मजदूर जा रहे थे, लेकिन बस की रफ्तार ज्यादा थी। बस की पलटने के बाद 35 मजदूरों के घायल होने की खबर मिल रही है। श्रावस्ती से गुजरात की तरफ ये बस जा रही थी। इस बस में कई मजदूर सवार थे। और बुलंदशहर से खबर है, गैंगस्टर मनोज सलीम पुरिया की संपत्ति कुर्क होगी। मुनादी करके 15,96,000 की संपत्ति कुर्क की गई। डीएम के आदेश पर मनोज की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। मनोज के खिलाफ कई धाराओं में 11 केसेस दर्ज हैं। शिकारपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर का यह मामला। तो देखिए, मनोज सलीम पुरिया की संपत्ति कुर्क की गई। अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 19। देखिए बहराइच से खबर है, नदी नहाने गए 3 लोगों के मौत की खबर है। पिता बेटा भतीजे के मौत की खबर है। गर्मी से निजात पाने के लिए सरयू नदी नहाने के लिए गए थे तीनों। मोतीपुर थाना लगता है और गया घाट इलाके से ये खबर आई है। गर्मी से बचने के लिए पिता पुत्र और भतीजे
ने सरयू नदी के गया घाट पर रुक किया नहाने के लिए। नदी में उतरे और खबर ये आ रही है कि तीनों की ही डूबकर मौत हो चुकी है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के गया घाट इलाके का ये मामला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।